प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में करीब 30 घंटे रहे हैं और इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। साथ ही शाम के वक्त वो गंगा आरती में शामिल हुए। वाराणसी पीएम मोदी की कर्मभूमि है, वो यहां से सांसद हैं, लिहाजा जब भी वो बनारस आते हैं उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पीएम जब भी बनारस आते हैं लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। इस बार भी पीएम जब बनारस दौरे पर रहे तो कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर जनता से मुलाकात की। जनता का नेता जनता के बीच, बेबाक, बेखौफ और निडर मोदी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है, ये पीएम मोदी के व्यक्तित्व की पहचान है। पीएम मोदी की सोशल इमेज ही उन्हें लोकप्रिय बनाती है। वाराणसी दौरे के दौरान कई मौकों पर मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो उन्हें स्टेट्समैन बनाती हैं। कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम जनता के बीच पहुंचे तो कई बार उनके समर्थक खुद पीएम से मिलने चले आए। सोमवार की देर शाम व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी रात करीब 12 बजे अपने संसदीय क्षेत्र घूमने निकले। पीएम मोदी का काफिला गोदौलिया चौक पर रुका, यहां से वो दशाश्वमेध घाट की ओर जाने लगे। इसी दौरान परिवार संग काशी घूमने आए एक बच्चे को देखकर पीएम मोदी अपने आप को रोक नहीं पाए। पीएम ने बच्चे को खूब दुलारा, पुचकारा, इसके बाद पीएम आगे की ओर निकल गए। उन्होंने रात में करीब 1 बजे बनारस स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वाराणसी के लोग अपने सांसद के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रहे थे। पीएम मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान काशी की गलियों में लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान भगवा कुर्ता पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पीएम को केसरिया रंग की पगड़ी पहनाना चाहता था, लेकिन पहले उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया। लेकिन पीएम मोदी की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने अपना काफिला रुकवा लिया। इसके बाद उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर पीएम मोदी को अपने हाथों से पगड़ी पहनाई। पीएम मोदी ने इस दौरान हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सोमवार को बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद पीएम मोदी लोकार्पण स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान भी पीएम मोदी की सोशल इमेज दिखाई दी। कॉरिडोर के निर्माण में दिन रात मेहनत करने वाले श्रमिकों पर पीएम मोदी ने पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर श्रमिक उत्साहित थे। इस दौरान पीएम ने उनके साथ न केवल फोटो खिंचवाए बल्कि खाना भी खाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।